दोस्तों जिस बात की चर्चा थी कि आखिर मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी से क्या डील की थी, वो नजारा सामने आ गया है। मनोज पांडे वही हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी से बागी होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था। आपको बता दें कि सपा के बागी विधायक मनोज कुमार पांडे को आज क्रॉस वोटिंग का इनाम मिल गया है इस सरकार की तरफ से, जो उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है। मनोज कुमार पांडे जो है उनको सिक्योरिटी के मुद्दे पर उन्होंने हालांकि खासतौर पर कुछ नहीं बोला, लेकिन लोकसभा चुनाव में राम और राष्ट्र के साथ जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राम की बात करने वालों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और उनके साथ उनका साथ दूंगा। हालांकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का गुणगान करते हुए वो नहीं थके, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ का भी गुणगान कहा और कहा कि हमारा परिवार और हम लोग जानते हैं कि देश को जो आगे बढ़ा सकता है और जो रोजगार दे सकता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हैं। हालांकि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये वही योगी मोदी को गरियाते हुए वही पता नहीं क्या क्या तड़ी पार तो क्या भूख पर मेरी मां मर जाए मेरी अम्मा मर जाए पता नहीं क्या क्या बयान दिए थे। हालांकि वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि मनोज पांडे से जो डील हुई थी हालांकि वो अब पूरी होती दिख रही है। जो लोग कह रहे थे कि मनोज पांडे न इधर के रहे न उधर के रहे, लेकिन इधर उधर के ना होकर भाजपा में उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा तो सरकार ने मुहैया करा दिया। हालांकि अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने भी टिप्पणी की है और सपा और पल्लवी पटेल के गठबंधन टूटने पर भी उन्होंने कहा है, उन्होंने संवेदना व्यक्त की है कि पल्लवी पटेल जी के साथ में कल भी था और आज भी हूं, आगे भी रहूंगा, दुख में खड़ा रहूंगा, उनका अपमान हुआ है उनके अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उनके सुख दुख में मैं उनका भाई खड़ा है। हालांकि ये शोभा नहीं देता है मनोज पांडे को, क्योंकि दुख को छोड़कर ही अखिलेश यादव को धोखा देकर इधर भागे थे। लेकिन फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कि सच में मनोज पांडे को उनका इनाम मिला है या इनाम में थोड़ा बहुत चूक रह गया, ये कमेंट पे राय जरूर दीजिए।